अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये है मेरा डिफिन का प्लांट जो कि थोड़ा सा सिल्वर कलर का है, जिसका पैटर्न ये देखें। ये इस तरीके के डिफिन के मेरे पास एक वैरायटी रखी हुई है, ये देखें। इसकी शेड इस तरीके से होता है। कुछ दिन पहले एक नर्सरी पर गया था, केडीए चुरंगी पर जो नर्सरी है, केडीए नर्सरी, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये सिल्वर वाले डिफेंस जो है वहाँ पे मौजूद हैं। इसका कलर थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरीके का होगा। अब पता नहीं ये ऐसा हो रहा है, ये शायद ये बाद में चेंज हो जाए क्या है, लेकिन खैर वो आगे हम देखेंगे। तो आज जो इस वीडियो में दिखा रहा हूँ वो ये है कि मेरे पास इस प्लांट में फ्लावर निकल रहा है। इसका डिफिन की अक्सर वैराइटीज़ हैं, उनमें इस तरीके का फ्लावर निकलता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो ये उनके लिए स्पेशली वीडियो है कि ये देखें डिफिन में इस तरीके से फ्लावर ब्लूम होता है। ये देखिएगा, ये है कि ये इसके अंदर से ये, और आई गेस के ये भी है और ये भी है। अमूमन मेरे पास एक वक्त में एक फूल खिलते थे, लेकिन आज इस वक्त इस प्लांट के अंदर एक ही खिला हुआ है, दो मज़ीद निकल रहे हैं। और ये जो है मेन, ये नया लीफ निकल रहा है, ये न्यू लीफ है, और बाकी तीन इसके साथ फ्लावर्स ब्लूम होने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक आज मुझे आप लोगों को वीडियो में दिखाना, जिन्होंने नहीं देखा, एक फ़र्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस है कि तीन फ्लावर्स एट अ टाइम डिफिन के प्लांट में और साथ साथ लीफ भी निकल रहा है। तो इससे क्या होता है कि इसकी ज़बरदस्त इस ग्रोथ जारी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जारी, साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ रही है और फ्लावर्स भी ब्लूम हो रहे हैं। ओवरऑल हर लिहाज से ये बिल्कुल सेट जा रहा है। बारिश का पानी इसको मैं देता हूँ और इसको ड्राई भी होने देता हूँ, अभी इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है। बस इंशाल्लाह एक महीने तक मैं देखूँगा इसको थोड़े बड़े प्लॉट में शिफ्ट कर दूँगा। अदरवाइज़ अगर एक महीने तक भी ये इसी के अंदर सही रहा तो इसको नेक्स्ट सीज़न में या नेक्स्ट ईयर फेब या मार्च में इसको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसकी प्रोग्रेस ओवरऑल अच्छी जा रही है। तो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो डिफिन के फ्लावर के बारे में।